दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं नंगल से 4-5 किलोमीटर दूर गांव हंडोला में, हंडोला पुल के ऊपर। दोस्तों, मेरे को पर्सनली ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे मंथ में एक दो बार आता ही रहता हूँ। दोस्तों, आज मेरी वाइफ मेरे साथ आई है, ये फर्स्ट टाइम आई है, तो हम इससे पूछते हैं इसको यहाँ पे आके कैसा लगा। और हेलो चांदनी, हेलो हेलो, और कैसा लग रहा है यहाँ आपके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो दोबारा आना चाहोगे यहाँ पे? हाँ, वापस आएंगे अभी किसी दिन फिर, तो बहुत अच्छा है सब कुछ ही। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, ये पुल हंडोला और नैला दो गांव को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, ये पुल स्पेशली जब भाखड़ा निर्माण हुआ था तब बनाया गया था लिफ्टिंग के लिए, तो इस पुल से सामान लेके जाया करते थे भाखड़ा में, तब ये पुल बनाया गया था। अब ये पुल गांव हंडोला और नैले के लोगों के लिए एक वरदान ही है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस कम हो गया उनका यहाँ से वहाँ जाने का। तो जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तब भी इस प्लेस पे ज़रूर आता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ तब भी इस प्लेस पे ज़रूर आता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लेस है और सच में बहुत शांति मिलती है मुझे यहाँ पे आके। चारों तरफ पानी ही पानी है और ठंडी वादियाँ हैं, मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके। ये देखिए, हर तरफ आपको पानी ही पानी, हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। दोस्तों, मैं कहता हूँ आप भी ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए और देखिए हमारे नंगल को चार चांद लगाता है ये हंडोला पुल। दोस्तों, मैं कैमरा घुमा के आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ कि देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए, ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ आपको पानी ही पानी और हरियाली हरियाली, सुंदरता सुंदरता नज़र आ रही है। ये देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोस्तों, वो सामने परमोती मंदिर है, वहाँ का ब्लॉग भी हम आपको किसी दिन बना के जरूर दिखाएंगे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गांव नैला में पुल को पार करके। ये पीछे जो बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, ये उन लोगों की बाइक्स हैं जो सुबह काम पे जाते वक्त यहाँ पे इनको खड़े करके जाते हैं और टाइम और पेट्रोल दोनों को बचा कर इस पुल के द्वारा उस पार जाते हैं। तो धूप की वजह से यहाँ पे इस वक्त रश कम है, रश है लेकिन कम है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी धूप है इसलिए लोग कम आते हैं। शाम के टाइम तो ये पुल पूरा भरा होता है, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा तो यहाँ पे आके ये कह लो कि मतलब दिल ही नहीं भरता, जितनी बार भी आता हूँ उतनी बार ही बहुत अच्छा लगता है, बार बार यहाँ पर आने का मन करता है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं हंडोला पुल के नीचे से। अब यहाँ से आपको हंडोला पुल के नीचे से यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है, मज़ा आ रहा है सच में देख के। ये देखिए, पानी ही पानी और कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों, ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ की सुंदरता को देखें और हमारे नंगल को चार चांद लगाने वाले इस पुल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई लोकेशन पे। बाय बाय।